मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने अधिकारियों को बथुकम्मा को भव्य तरीके से आयोजित करने का निर्देश दिया है, ताकि तेलंगाना की संस्कृति और परंपराओं का उत्थान हो सके। सीएम केसीआर के निर्देशानुसार बथुकम्मा की तैयारी पर हैदराबाद स्थित उनके कार्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। इस अवसर पर बथुकम्मा उत्सव ने सभी लोगों, महिलाओं, कर्मचारियों और सभी लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आदेश दिया कि उत्सव भव्य तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए, चाहे वह गलियों में हो या गांवों, मंडलों, जिलों के साथ साथ शहर में भी इसका आयोजन होना चाहिए। सीएस सोमेश कुमार ने सुझाव दिया कि ग्रामीण सहकारी समितियों को तेलंगाना के विकास के समान व्यावसायिक लेन देन विकसित करना चाहिए। सहकारी संस्थानों की वित्तीय सहायताओं के पर्यवेक्षण पर गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक बीआरकेआर भवन में हुई। इस बैठक में राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की गई। सीएस ने कहा कि चूंकि राज्य सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है, इसलिए ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए अपने व्यवसाय की मात्रा बढ़ाने के लिए अपार अवसर है। उन्होंने बैंकरों से कहा कि वे सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए और अधिक नवीन चीज़ों पर ध्यान दें। राज्य के पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि विजया डेयरी को देश में नंबर वन पर ले जाया जाएगा। मंत्री ने शहर के एनटीआर पार्क और लुम्बिनी पार्क में नवस्थापित विजया आइसक्रीम पार्लरों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि घाटे में चल रही विजया डेयरी तेलंगाना राज्य बनने के बाद विकास के पथ पर चल रही है। अब यह 750 करोड़ टर्नओवर हो गया है। मंत्री ने कहा कि विजया डेयरी उत्पाद पहले सभी को उपलब्ध नहीं कराया जाता था। अब हम 1000 आउटलेट स्थापित करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा नेता बंडी संजय ने कहा कि इब्राहिम पट्टनम का नाम बदलकर वीरपट्टनम कर देना चाहिए। किसी समय जब भारत पाक क्रिकेट खेला जाता था, वे पुराने शहर में पाकिस्तानी झंडे लेकर घूमते थे, लेकिन जब भाजपा आई तो उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज थाम लिया। उन्होंने कहा कि केवल दलित वोट बटोरने के लिए ही सचिवालय का नाम अम्बेडकर रखा गया है। भाजपा नेता बंडी संजय ने कहा कि इब्राहिम पट्टनम का नाम बदलकर वीरपट्टनम कर देना चाहिए। किसी समय जब भारत पाक क्रिकेट खेला जाता था, वे पुराने शहर में पाकिस्तानी झंडे लेकर घूमते थे, लेकिन जब भाजपा आई तो उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज थाम लिया। उन्होंने कहा कि केवल दलित वोट बटोरने के लिए ही सचिवालय का नाम अम्बेडकर रखा गया है। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह अपमानजनक है कि केंद्र ने घोषणा की है कि कृषि क्षेत्र, जो देश की रीढ़ है, का निजीकरण किया जाएगा। केटीआर ने ये टिप्पणी केंद्रीय कृषि विभाग के सचिव सुधांशु पांडे द्वारा की गई घोषणा का हवाला देते हुए की अनाज संग्रह को नुकसान हो रहा है, इसका निजीकरण किया जाएगा। केटीआर ने यह भी कहा कि अगर केंद्र द्वारा प्रस्तावित बिजली सुधारों को लागू किया जाता है, किसानों को अब मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को हटाने के लिए बिजली सुधारों पर जोर दे रही है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगर बिजली सुधारों को लागू किया जाता है तो तेलंगाना के किसानों को नुकसान होगा। रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री केसीआर को खुला पत्र लिखकर केटीपीएस छठे चरण के निर्माण में कारीगरों के रूप में श्रमिकों की नियुक्त न करने की निंदा की है। यह स्पष्ट किया गया है कि बिजली क्षेत्र के पीछे कई श्रमिकों ने खून पसीना बहाया है। इसका विरोध किया गया कि सरकार द्वारा श्रमिकों के श्रम के लिए दिए जाने वाले इनाम केवल दिखावा है और श्रमिक इससे संतुष्ट नहीं है। छठे फेज का निर्माण पूरा होने पर भी आरोप है कि मजदूरों से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया। उस संगठन के सीएमडी ने भी राज्य मानवाधिकार आयोग को लिखित में यही बताया। रेवंत रेड्डी ने श्रमिकों की कठिनाइयों को नजरअंदाज किए बिना उन्हें नौकरी की सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड्स में ऑस्ट्रेलिया भारत मैच के टिकट को लेकर मची भगदड़ के दौरान एक महिला कांस्टेबल हरकत में आ गई। उसने तुरंत उस महिला का सीपीआर किया जो खतरे में थी और उसकी जान बचाई। कई लोग इस कांस्टेबल की तारीफ कर रहे हैं। टिकट के लिए प्रशंसकों की अचानक भीड़ से एक 45 वर्षीय महिला पूरी तरह से बेहोश हो गई। बेगमपेट महिला पीएस के में कार्यरत एक कांस्टेबल नवीना ने तुरंत हरकत में आई और महिला को बाहर निकाला। कांस्टेबल ने सीपीआर किया
क्योंकि वह पहले से ही बेहोश थी और सांस नहीं ले रही थी। महिला को बचाने वाली कांस्टेबल की तारीफ हो रही है। उनके द्वारा दिखाई गई प्रेरणा और साहस को आज की महिलाओं के लिए रोल मॉडल माना जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन SBMG के तहत बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंकिंग में तेलंगाना को पहले स्थान पर रखा गया है। राज्य ने 12 पुरस्कारों की एक समृद्ध दौड़ भी हासिल की है, जिसमें निजामाबाद और भद्राद्री कोतेगुड़न जिले के दक्षिण क्षेत्र में समग्र शीर्ष जिलों की श्रेणी में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने इन रैंकिंग की घोषणा की। SBMG मिशन के निर्देशक विकास शील ने मुख्य सचिव सोमेश कुमार को लिखे पत्र में कहा कि पुरस्कार 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस समारोह के दौरान प्रदान किए जाएंगे। जब से तेलंगाना सरकार ने पल्ले प्रगति कार्यक्रम शुरू किया है, तब से राज्य को केंद्र द्वारा स्थापित कई पुरस्कार मिल रहे। इस वर्ष फरवरी में राज्य के 7 गांवों के तहत शीर्ष 10 गांवों में स्थानीय दिया गया है। पेद्दीपल्ली के सांसद वेंकटेश और बेल्लमपल्ली विधायक दुर्गम चिन्नैया ने आश्वासन दिया है कि वे महार सामाजिक समुदाय की समस्याओं को CM KCR के ध्यान में लाएंगे और उन्हें हल करने के लिए काम करेंगे। बागलिंगमपल्ली सुंदरिया विज्ञान केंद्र में आयोजित गैर नेता महार समुदाय के नेताओं की आध्यात्मिका सभा में वीरा मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर वादा किया गया कि गैर प्रमुख जातियों को आत्मसम्मान निर्माण प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। चूंकि एजेंसी क्षेत्र में गैर बुनकर जातियों बहुसंख्यक है, इसलिए सरकार को एजेंसी क्षेत्र में दलितों को विशेष रियायतें देनी चाहिए और आर्थिक विकास के उपाय करने चाहिए। प्रोफेसर मुसलैया ने सरकार से कई वर्षों से खेती की जा रही बंजर भूमि पर मालिकाना हक देने का आग्रह किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 मैच इस महीने की 25 तारीख को हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम में खेला जाएगा। शहर के क्रिकेट प्रशंसकों के साथ साथ 2 तेलुगु राज्यों के क्रिकेट प्रेमी इस मैच को लाइव देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी क्रम में कल जिमखाना मैदान में भी टिकट को लेकर भगदड़ मच गई। तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए क्रिकेट फैंस 25 तारीख को होने वाले मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस महीने की 25 तारीख को जब मैच होगा तो हैदराबाद मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने क्रिकेट फैंस को एक खुशखबरी सुनाई। मैच खत्म होने तक रात के करीब 10 बज चुके होंगे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उस दिन रात 12:30 बजे तक शहर में मेट्रो ट्रेन चलेंगी ताकि क्रिकेट प्रशंसक सुरक्षित घर जा सके। उन्होंने उल्लेख किया कि वह क्रिकेट प्रशंसकों के यातायात के आधार पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। NVS रेड्डी ने इस आशय का एक बयान जारी किया। घोषा महल विधायक राजा सिंह की पत्नी टी उषाबाई ने अनुरोध किया है कि उनके पति राजा सिंह को जेल में सुविधाएं दी जाए। इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राजा सिंह को पुलिस ने पिछले महीने PD एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था और चेल्लपल्ली जेल ले जाया गया था। जस्टिस कनगंती ललिता ने जेल में बंद राजा सिंह को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील के करुणा सागर ने कहा कि प्रतिवादियों को जेल में राजा सिंह को बिस्तर, गद्दा, कुर्सी, मेज और TV जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाएं। उन्होंने लोगों और परिवारों के सदस्यों से मिलने की अनुमति भी मांगी। राज्य सरकार के वकील श्रीकांत रेड्डी ने उनकी दलीलें सुनने के लिए समय मांगा। न्यायाधीश ने इस महीने की 28 तारीख को सुनवाई स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट ने पुलिस को राज्य में गुमशुदगी के मामले दर्ज कराने की प्रगति और उनकी जांच पर रिपोर्ट देने को कहा है। अब तक कितने गुमशुदा मामले दर्ज किए गए हैं, इसने ब्यूरो दिया गया कि कितने लोग अपने ठिकाने तक पहुंचे हैं। इनके अलावा गृह विभाग को यह भी निर्देश दिया गया है कि 2006 में लापता युवक के जांच के बारे में भी जानकारी दी जाए। हाईकोर्ट के जज जस्टिस शमीम अख्तर और जस्टिस EV वेणुगोपाल की बेंच ने गुरुवार को ये आदेश जारी किए। अवैध खनन मामले में आरोपी कर्नाटक के पूर्व मंत्री गाली जनार्दन रेड्डी की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी। इस मौके पर कोर्ट की राय थी कि मामले की सुनवाई में जितना हो सके तेजी से शुरू की जानी चाहिए।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नामपल्ली हैदराबाद में विशेष सीबीआई अदालत को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जो गाली जनार्दन रेड्डी के खिलाफ दर्ज मामले की जांच कर रही है। इस मामले में उन्होंने डिस्चार्ज याचिकाओं की सुनवाई इस महीने की 29 तारीख तक खत्म करने का आदेश दिया और आगे स्थगन नहीं करने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि मामले की सुनवाई में देरी के लिए डिस्चार्ज याचिकाएं दायर की गई थी। आरटीसी के एमडी सज्जना ने कहा कि दशकों से यात्रियों की सेवा के उद्देश्य से काम कर रही आरटीसी को आगे बढ़ाने के लिए संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और परिवहन सुविधाओं को कला समूहों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने औपचारिक रूप से ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में टीएसआरटीसी सेवाओं के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए बस भवन में एक विशेष रूप से तैयार अभियान रथ को हरी झंडी दिखाई। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश के कारण शहरवासियों को काफी परेशानी हुई, वहीं बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, सोमाजीगुड़ा, अमीरपेट, बोराबंडा, एर्रागड्डा, सनत नगर, एसआर नगर, वेंगल राम नगर, मैत्रीवनम, नामपल्ली, लकड़ीकापुल, खैरताबाद, मुशीराबाद, चिकड़पल्ली में हल्की बारिश हुई। शहर में अन्य जगहों पर लोअर टैंकबंड, बागलिंगमपल्ली, कवाड़ीगुड़ा, भोलकपुर, दोमलगुड़ा, गांधीनगर, जवाहरनगर, शमशाबाद, आरंगर, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, किस्मतपुर, गांधीपेट, मानिकुंडा, नरसिंगी, मियापुर, चंदानगर, चंद्रनगुट्टा और बारकास में भारी बारिश हो रही है। गुरुवार सुबह से आसमान में बादल छाए हुए, शहर में धीरे धीरे बादल छा रहे हैं और बारिश हो रही है। हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में लगातार जारी है। इसमें कहा गया है कि अगले 48 घंटों में यह पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा और इसके प्रभाव से आज आदिलाबाद और कुमरम भीम आसिफाबाद जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक कई इलाकों में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। ओयू परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर नागेश ने एक बयान में कहा कि उस्मानिया विश्वविद्यालय के तहत बीसीए परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। बीसीए प्रथम सेमेस्टर की बैकलॉग परीक्षा इस महीने की 26 तारीख से आयोजित की जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि परीक्षा तिथियों का पूरा विवरण ओयू की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। एक युवती ने इंस्टाग्राम पर न्यूड कॉल के नाम पर युवकों को फंसाया है। अनंत मराग ने युवकों के साथ नग्न वीडियो कॉल की और उन्हें रिकॉर्ड किया। बाद में उसने युवकों को रिकॉर्ड किए गए नग्न कॉल और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने की धमकी दी। उसने उन न्यूड वीडियो और फोटो को डिलीट करने के लिए 5 से 10 हज़ार भेजने की मांग की। इससे मजबूर कई युवकों ने उक्त महिला को पैसे भेजा, जबकि एक युवक पुलिस के पास पहुंचा। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक गच्चीबौली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। कुछ आरोपियों ने गिरोह बना लिया है और आर्थिक रूप से मजबूर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। उन्होंने खूबसूरत युवतियों के साथ ट्रैप करे वे न्यूड कॉल्स की बात कर रहे हैं। वे उन वीडियो को रिकॉर्ड कर पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, नहीं तो वे सोशल मीडिया पर न्यूड वीडियो शेयर करने की धमकी दे रहे। कई लोग बदनामी के डर से कभी कभी वे आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वे जितना मांगते हैं उतना भुगतान नहीं कर पाते। आए दिन ऐसी घटनाएँ सामने आ रही है। शहर में एक नकली दूध पाउडर निर्माण केंद्र पर पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी में दो भाइयों के साथ 3 लाख रुपए कीमत का नकली दूध पाउडर व अन्य सामान बरामद किए गए। मंडी क्षेत्र के ओल्ड बस्ती मादनापेट के दो भाई मोहम्मद सलीम व मोहम्मद आरिफ इसी इलाके में मिल्क पाउडर का कारोबार कर रहे हैं। इसी क्रम में वे अधिक पैसा कमाने की आस में नकली दूध पाउडर बना रहे हैं। सूचना पर नकली दूध पाउडर के ठिकाने पर छापेमारी करने वाली साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मलकाजगिरी सफीलगुड़ा मिनी टैंकबंड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब मलकाजगिरी के सब रजिस्ट्रार कार्यालय से आ रही कार आगे जा रही ऑटो से टकरा गई। इस हादसे में ऑटो चालक चिट्टी बाबू की मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक गणेश को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया और जांच की जा रही है।